हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था। फ्रेंड्स, हमारे सफी पहले हमारे बिल्डिंग, हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक मधुमक्खी का छत्ता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, एकदम लाइव। और उसकी इसलिए वो मक्खियाँ आ रही है। अब मुझे पता चला कि वो कैसे क्यों आ रही है, तो चलो आपको भी दिखाते हैं। हम लोग नीचे देखने गए थे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो हम लोग ने मधुमक्खी को भटकाने के लिए लोबान जलाया। तो इससे शायद धुआं ज्यादा आएगा, तो ये आएगी नहीं, क्योंकि बार बार हमारे किचन में आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर से एक मरी पड़ी है। जैसे कि आप देखिए, बहुत सही दवाई मारने के बाद मरी। अब इसके माँ बाप मेरे से बदला लेने आएंगे। फ्रेंड्स, तो दुआ करना मेरे लिए। अबे साले, हम लोग नीचे उतर रहे हैं क्योंकि छत्ता दिख रहा है। अब सुबह हो चुकी है, देखो सहरी के बाद सोने भी नहीं मिला। जहाँ व्लॉग एंड करी वहाँ पे से शुरू कर दी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, छत्ता एकदम क्लियरली दिख रहा है। ये है छत्ता। वाओ, वेरी डेंजरस। तो फ्रेंड्स, अभी कैसे जाएगा, कब जाएगा, कुछ नहीं खबर। पूरा परिवार डरा हुआ यार। 2000 years later. Hey friends, अस्सलाम वालेकुम। हो चुकी है सुबह, सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है। आज फिर मैं लेट हो गई यार, मुझे फिर से, और मैं सो के उठी हूँ तो मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। कि कल सुबह सुबह क्या हुआ था कि छत्ता वगैरह देखने में बिजी हो गए थे, तो लेट सोए, तो उस वजह से लेट उठे। और ये है मेरा आउटफिट, आज मैंने ये पहना है। और मेरी बेटी बॉटल लेके चली गई है, तो जरा देखते हैं कहाँ लेके गई है मिस जन्नत। और आज हमको अपना रूम भी पूरा क्लीन करना है, ये पूरा सब क्लीन करना है। तो फिर चलो पहले चलते हैं इफ्तारी की तैयारी करते, उसके बाद फिर ये सारा काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर दिन अलग अलग रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई क्योंकि अम्मी ने बोला कि बिरयानी बना ले सोफी, तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। और भजिया तो हमारे यहाँ पे है, कॉमन ही है, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं बना रही। बिरयानी बना रही, भजिया बना रही, और फालूदा सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक दूध नहीं आया है, और जो फालूदा में ओले डालते वो भी नहीं आया है। तो देखते हैं कब तक फालूदा बनता है, और बन पाता है कि नहीं बन पाता है। मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही हूँ, तो मैं करीबन 1 किलो के थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। मैं बहुत सिंपल सी बिरयानी बनाती हूँ और बहुत इजी बनाती हूँ, ज़्यादा स्टम्मा नहीं है उसमें। तो इसमें मैंने डाली हूँ अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोथमीर और खड़े मसाले। जावित्री नहीं डाली, भूल गई हूँ जावित्री डालना। तो फ्रेंड्स, मैं जावित्री डाल के मिलती हूँ आप। जावित्री तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं जावित्री नहीं डाल रही। बाकी मैंने सारा मसाला पीस लिया, और इसमें मैंने अपने टमाटर पीसे हुए हैं, तो टमाटर भी डालेंगे। चलो फिर जल्दी जब मसाला मिक्स करके फिर आपसे, और सारे सूखे मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी। तो अभी मेरा चिकन जब कुछ तरीके से भूजा, अच्छे से भूज गया है और चिपक रहा है, तब इस पॉइंट पर हम लोग मसाले डालेंगे। ठीक है, सूखा मसाला और गीला मसाला जो भी सब है, मसाले है, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये पकेगा, तेल छोड़ेगा, उसके बाद फिर हम चावल चढ़ाएंगे, नहीं साथ ही में चावल चढ़ा देंगे। अभी इधर पे मसाला शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे चावल चढ़ा देंगे साथ ही साथ। जब तक चावल पकेगा तब तक हमारा मसाला भी हो जाएगा। हमें दही और प्याज भी पीस के डाल दिए। इधर हम लोग फालूदा की तैयारी, और दूध बहने वाला, बह गया। जैसे कि मैंने वीडियो चालू की तो दूध बह गया, थोड़ा सा ही वहाँ है। फ्रेंड्स, अफ्तारी करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, फिर उठी हूँ, नमाज़ वगैरह कंप्लीट करी, और अब मैं जा रही खाना खाने। तो मैंने बनाया जैसे कि बिरयानी, देख सकते हैं आप मेरी बिरयानी कुछ ऐसी दिखती है मेरी बिरयानी। और मिस्टर खान भी मेरे साथ खा रहे हैं, और हम दही और सलाद सब साथ में लेके खा रहे हैं। तो चलो फिर खा के मिलती हूँ मैं आपसे। फ्रेंड्स, बज रहा है 2:15 से थोड़ा सा ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, मैं कल की इफ्तारी की तैयारी रात से ही शुरू कर देती हूँ, ताकि मुझे और भी खाना, जैसे कि घर का जो खाना बनाना हो उसमें मेरे को दिक्कत ना हो। तो मैं कल बनाने वाली चिकन चीजी रैप, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी मुझे बुला रहे, तो मैं बोल सुन लेती हूँ। मम्मी क्या हो, इसको फ्रिज में रख देना, बहाना मत। क्यों? अनिल खाएगा। अच्छा ठीक है, तो मम्मी बोल रहे फ्रिज में रख देना, ये हम लोग बच जाता है तो हम लोग आंटी को दे देते हैं, तो वो शौक से मतलब खा पी लेती है हमारे घर का खाना। तो अभी तो वो अम्मी बोली इसको रख देना, क्योंकि अनीस खाएंगे।
सो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको पता है कि मैं तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे अगले दिन जैसे बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ता है, सब बनाना पड़ता है और टाइम कम रहता है तो मेरे लिए इजी रहता है। तो चलो फिर मैं इसकी तैयारी करती हूँ। और मिस्टर खान, ये फालूदा फिर है, तो ये मेरा फालूदा और ये शादा। छी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फ्रेंड, शादा को इग्नोर करना पूरी तरीके से, वो सिर्फ मेरी वीडियो में थोड़ी खलल डालने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अब इसकी तैयारी करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने निकाल चुका है न्यू कढ़ाई और इधर सानिया बनाने जा रही है चाय। तो अब मैं इसमें अपने सारे, अब मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं खुद मतलब बनाई नहीं हूँ ये रेसिपी, मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको दिखाते जाऊंगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा चिकन की जो स्टफिंग है पराठे रैप की, वो मैं किस तरीके से रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, ओहो, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो। आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था। 2 slices ऑफ चीज, नॉर्मल चीज, और मोजरेला चीज डाला बस, और 2 कप दूध डाला है। जैसे देख सकते हैं, अब इसको थिक करेंगे और फिर इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। तो कल इसको हम रैप बनाएंगे। मैं ऐसे तैयारी करके रख लेती हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती अगले दिन। फिर 3:28 AM सो फ्रेंड्स, सैरी का वक्त हो चुका है और मेरा सर आज बहुत ज़्यादा दुख रहा है। आज रोटी बनाने की टाइम मेरी थी लेकिन मैंने आयशा अप्पी को बोल दी कि आयशा अप्पी आप बना लो क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है। और मैंने वो अंडे, जो अंडा बनाती ना मैं प्याज वाला भुर्जी, वो मैंने बना दी हूँ। तो ज़्यादा बनानी नहीं थी तो मैं फटाफट बना दी। आयशा अप्पी रोटी बना रही है और अभी मैं अपनी सहरी करूँगी और मैं अपनी सहरी में शायद चाय तो खाऊँगी। और बेटी ने लगता है कुछ किया, देखो ये मेरा ड्रॉ खोल के मेरी सारी पिंस गिरा दी। सच में जन्नत, तुम ना अड़गम में ही काम करत हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ी थी और मेरे रहते ही मेरी थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घट गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने दूध बहा दिया। तो अब इसको फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सो फ्रेंड्स, फिर से टेंशन चालू हो गई। वो जो मधुमक्खी है ना, वो असल में सबके घर की लाइट बंद होती है और हमारे घर की लाइट चालू रहती है। तो मधुमक्खी वो हमारे घर में आती है, एक मारते तो दूसरी आती है, दूसरी मारते तो तीसरी आती है, तीसरी मारते तो चौथी पांचवी आ जाती है। अरे भाई, मतलब मार मार के थक गए लेकिन अभी तो लाइट बंद कर दी और उन्होंने कर्टन लगा दिए। तो टेंशन बहुत है कि अब क्या होगा, क्योंकि वो मेन उधर पे, जब तक वो मेन नहीं कटेगा तब तक मधुमक्खी जाने वाली तो है नहीं। तो उसी के टेंशन में मैंने अपना पूरा रूम का हुलिया, मेरा देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब इसको मेरे को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करूंगी, नमाज पढ़ूंगी और फिर कल सुबह आपसे मिलूंगी। तब मैं इधर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।